क्वेश्चन है आपका 5 के पावर -7 × 2 के पावर -8 × 3 के पावर -6 और 5 के पावर -2 × 7 का स्क्वायर × 3 के पावर -5 का एलसीएम क्या होगा। जैसे यहाँ पे तीसरी सवाल देखिए, 2 के पावर 7 × 5 का स्क्वायर × 8 के पावर 3 तथा 3 के पावर 7 × 5 के पावर 12 × 9 के पावर 11, इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इस टाइप की सवालें जो हैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन सब सवालों को आप लोग 3 से 4 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, यही मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो बने रहें वीडियो पर अंत तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एलसीएम सिखाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे 3 संख्याएं हैं 2, 4, 8, इसका आप लोगों को निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 4 बार, फिर से 2 से काटेंगे और फिर से 2 से, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब देखिए इसी को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 के पावर 3। ठीक, तो एलसीएम में क्या करना है, बड़ी पावर वाली संख्या को लेना है और वही आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो बड़ी पावर वाली संख्या कौन है, 2 के पावर 3, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, 2 के पावर 3। ठीक है, जैसे अब यही ऐसे दिया गया है 2 के पावर 3 × 3 और 3 का स्क्वायर × 2 के पावर 8। ठीक है, देख रहे हैं आप, अभी मैंने क्या कहा, बड़ी पावर वाली संख्या लेना है एलसीएम निकालते समय। अब एलसीएम इसका क्या होगा, देख रहे हैं आपसे, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 8, तो बड़ी पावर वाला यहां पे है, 2 के पावर 8 ले लेंगे। अब देखिए 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, तो बड़ी पावर वाला यहां पे है, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा, 2 के पावर 8 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर यही ऐसे दिया हो, 2 के पावर -3 × 5 के पावर -7 और 2 के पावर -5 × 5 के पावर -8, इसका आप लोग निकालना है एलसीएम, देख ही से। अब देखिए 2 के पावर -3, 2 के पावर -5, कौन सी बड़ी है, 2 के पावर -3, तो इसे ले लेंगे। 5 के पावर -7, 5 के पावर -8, तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, इसका एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों को कुछ इस टाइप के सवाल में मिलेंगे, जैसे 2 के पावर -11 × 3 के पावर -5 × 7 का स्क्वायर और ठीक है 3 के पावर -7 × 4 के पावर 8 × 5 के पावर 7, देख रहे हैं, इसका निकालना है आप लोगों को एलसीएम। तो सबसे पहले 2 के पावर देखिए, 2 के पावर इसमें नहीं है, 3 के पावर -5, 3 के पावर -7, तो इन दोनों में जो है 3 के पावर है, तो 3 के पावर -5, 3 के पावर -7, दोनों में बड़ी कौन है, 3 के पावर -5, ये बड़ी है, ये तो ले लेंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इधर भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो भी संख्याएं बची हुई हैं उन सभी को लिख देना है, क्या बची हुई है, 2 के पावर -11, 4 के पावर 8, 5 के पावर 7, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, एलसीएम में बड़ी पावर वाली संख्या लेंगे। ठीक है, जैसे 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 है, तो इसे तो ले लेंगे। अगर इसके साथ भी अगर कोई संख्या है तो उसे भी लिखेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 के पावर 7 × 3 × 5। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 के पावर -7 × 2 के पावर -8 × 3 के पावर -6 और 5 के पावर -2 × 7 का स्क्वायर × 3 के पावर -5, इसका एलसीएम। तो 5 के पावर -7, 5 के पावर -2, तो बड़ा कौन है, 5 के पावर -2, इसे ले लेंगे। अब देखिए 3 की पावर इधर भी है, 3 की पावर इधर भी है, 3 की पावर -6, 3 की पावर -5, 3 की पावर -5, ये वाला बड़ा है। अब जो भी बचा है उसे भी लिखेंगे, 2 के पावर -8, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, जैसे दूसरा वाला देखिए 5 पावर x पावर -2। ठीक है, इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के पावर -2x। ठीक है, और यहाँ पे 7 के पावर -9x तथा 5 के पावर -7x, 2 के पावर -5x। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए 5 के पावर -2x, 5 के पावर -7x, बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं -2 बड़ा होता है -7 से, ये आप लोग जानते हैं।
तो यहाँ पे बड़ी पावर वाली संख्या क्या है, 5 की पावर -2x। अब देखिए 7 की पावर -9x, 7 की पावर इधर नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन सी बची है उसे भी लिख देंगे, 2 के पावर -5x और 7 के पावर -9x, ये पूरा हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस जो है नहीं दिए हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में इसी टाइप के जो है ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोग जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एचसीएफ, ये कैसे निकालेंगे इसे भी ध्यान से देखिएगा। जैसे है 2 4 8, अब निकालना है एचसीएफ। ठीक है, 2 4 8 यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ठीक है, इन तीनों को निकालना है एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ में कम पावर वाली जो है संख्या लेंगे। एलसीएम में आप लोगों ने क्या किया, बड़ी पावर वाली संख्या ली, एचसीएफ में कम पावर वाली। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, कम पावर वाली संख्या कौन है, 2 के पावर 1 यानी 2, तो इन तीनों का एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। जैसे अब ऐसे दिया रहेगा 2 के पावर 5, 3 के पावर 4 तथा, ठीक है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 7, एचसीएफ क्या होगा देखिए ध्यान से, 2 के पावर 5, 2 के पावर 2, कम पावर वाला यहाँ पे है तो 2 के पावर 2 दे देंगे, 3 के पावर 4, 3 के पावर 7, तो कम पावर वाला यहाँ पे है 3 के पावर 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब घात जो है माइनस में भी हो सकती है, 2 के पावर -11, 3 के पावर -5, 7 के पावर 2 तथा 2 के पावर -8, 7 के पावर -5, ठीक है, गुणे 11, इन दोनों में जो है आप लोगों को एलसीएफ निकालना है, ध्यान से देखिएगा। 2 के पावर -11, 2 के पावर -8, कम पावर वाली संख्या कौन है देखिए ध्यान से, -11 है, -8, अब इसमें -8 तो ज्यादा है, -11 कम है, तो माइनस वाला लेंगे, ठीक है, 2 के पावर -11। देखिए 7 का स्क्वायर 7 की पावर -5, तो 7 की पावर -5 लेंगे, क्योंकि ये वाला जो है कम है। अब देखिए ये वाली और ये वाली संख्या जो है बच गई, तो बची हुई संख्याओं को यहाँ पे जो है नहीं लिखना है, एलसीएम निकालते समय बची हुई संख्या को नहीं लिखना है, एलसीएम निकालते समय बची हुई संख्या को लिख लेना है, लेकिन एलसीएफ में नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न है 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 8 के पावर 3 तथा 3 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 12 गुणे 9 के पावर 11, इसका एचसीएफ। तब तो देखिए ध्यान से, तो देखिए ध्यान से, 2 के पावर देखिए इधर नहीं है तो इसे तो छोड़ देंगे, 5 के पावर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो कम पावर वाली संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कम पावर वाली संख्या यहाँ पे है, तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए 8 के पावर 3, 8 के पावर इधर नहीं है, ठीक है, तो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, बस यही आपका जो है एचसीएफ होगा। ठीक है, बाकी संख्या को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे चौथा प्रश्न देखिए, चौथा है आपका 4 के पावर 5 गुणे 5 के पावर -7 गुणे 13 के पावर -2, इधर है 3 के पावर -5, 5 के पावर -12, 13 के पावर -5, इसका निकालना है एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, 4 के पावर है, 4 के पावर इधर नहीं है तो इसे तो छोड़ देंगे, 5 के पावर -7, 5 के पावर -12, इन दोनों में कम कौन है, ये वाला कम है, 5 के पावर -12 ले लेंगे, 13 के पावर -2, 13 के पावर -5, कम ये वाला है, 13 के पावर -5, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा, 7 के पावर 3 पावर 547 प्लस 1, 7 के पावर 3, 571 है इसके पावर प्लस 1, ठीक है, इन दोनों में एचसीएफ आप लोगों ने काम है, देखिए यहां से। तो देखिए दोनों संख्याएं लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे 547 है, यहाँ पे 571, ठीक है, तो कम पावर वाली संख्या यहाँ पे है, तो ये वाला जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा, 7 के पावर 3 पावर 547 प्लस 1, ये जो है एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है 3 से 4 सेकंड में निकाल लेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।